जो एक बिगिनर राइडर के लिए बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बेस्ट स्कूटर फॉर बिगिनर्स। यंगस्टर्स में स्कूटर का क्रेज बढ़ते जा रहा है और स्कूटर और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये एक कन्वीनियंट एंड ईजी वे है कॉलेज से आने जाने के लिए। ऐसे में अगर आप भी अपने लिए एक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो बट आप अभी एक बिगिनर हो, तो आपके लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट रहेगा ये सोचकर परेशान हो, मैंने आपके लिए ये वीडियो में ऐसे बेस्ट स्कूटर्स को इंक्लूड किया है जो एक बिगिनर राइडर के लिए बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज। तो चलिए ज्यादा टाइम वेट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस्ट 110 सीसी के स्कूटर्स का। तो नंबर 10 पे है TVS स्कूटी पेप प्लस। ये स्कूटर सीखने के लिए अच्छा चॉइस है क्योंकि प्राइस इसका बहुत ही कम है और ये एक लाइट वेट स्कूटर है, एज वेल एज बेस्ट चॉइस है स्पेशली फॉर गर्ल्स। यस, दिखने में थोड़ा सा ओल्ड है बट स्टिल वेरी मच कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल है। इसका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 70,000 से लेके 85,000 के बीच में। सेफ्टी के लिए आपको इसके अंदर TVS की SBT ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। इसके अंदर 87.8 सीसी का एयर कूल इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 5.36 bhp का एंड 6.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। यस, पावर कम है जिसके वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इजी है और माइलेज डिलीवर करता है 50 से लेके 52 kmpl के बीच में, जिससे सीखने के टाइम पर भी आपकी सेविंग्स हो जाएगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्कूटर के बारे में बात करते हैं, तो वो है हीरो प्लेजर प्लस। ये स्कूटर में अभी के लिए दो मॉडल है, एक है अच्छे फीचर्स वाला एक्सटेक और दूसरा है नॉर्मल। एक्सटेक रेट्रो लुक में बहुत ही अच्छा लगता है और उतना ही नहीं, सीखने के लिए भी ये स्कूटर बेस्ट चॉइस है क्योंकि इसके अंदर 110 सीसी का एयर कूल इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8 bhp का एंड 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। पावर को कंट्रोल करना बहुत ही इजी है खास करके बिगिनर्स के लिए और फीचर्स भी इसके अंदर काफी अच्छे मिल जाएंगे। एक्सटेक थोड़ा सा ओवर प्राइज ही है, लाइक इसका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 97,000 से लेके 1,00,000 के बीच में। अगर आपका बजट कम है तो आप इसके नॉर्मल मॉडल के लिए भी जा सकते हो। माइलेज भी अच्छा डिलीवर करता है लाइक 50 से लेके 52 kmpl के बीच में और इसका वेट है 104 kgs का। जैसे मैंने बोला, ये एक लाइट वेट स्कूटर है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्कूटर के बारे में बात करते हैं, तो वो है TVS जुपिटर। ये स्कूटर इंडिया में पॉपुलर है खास करके इसके माइलेज के वजह से, बट अगर आप इसको माइलेज को छोड़ दो तो ये स्कूटर सीखने के लिए भी बेस्ट चॉइस है क्योंकि कम बजट में भी आ जाता है और इसके स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते हैं। लाइक इसका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 91,000 से लेके 1,04,000 के बीच में। इसके अंदर 109.7 सीसी का एयर कूल इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.77 bhp का एंड 8.8 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके पावर को भी कंट्रोल करना इजी है। इसका वेट है 109 kgs का और इसका रियल वर्ल्ड माइलेज है 50 से लेके 52 kmpl के बीच में। जुपिटर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसका अंडर सीट स्टोरेज भी बहुत ही अच्छा है, जिससे एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्कूटर के बारे में बात करते हैं, तो वो है हीरो जूम। ये स्कूटर में इंजन और फीचर्स दोनों भी अच्छे हैं और साथ में सीखने के लिए भी ये एक अच्छा चॉइस है स्पेशली फॉर बिगिनर्स। जूम में आपको 110.9 सीसी का एयर कूल इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.05 bhp का एंड 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है और ये स्कूटर माइलेज डिलीवर करता है 48 से लेके 50 kmpl के बीच में। जूम में आपको ड्रम एंड डिस्क ब्रेक दोनों का भी ऑप्शन मिल जाता है और आपकी सेफ्टी के लिए हीरो की IBS ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। इसका वेट है 109 kgs का और इसका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 95,000 से लेके 1,05,000 के बीच में। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है और इंजन का पावर कम होने से इसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है और इसकी हैंडलिंग भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्कूटर के बारे में बात करते हैं, तो वो है होंडा एक्टिवा 6G।
ये स्कूटर एक अच्छा चॉइस है और इसके बारे में मुझे ज्यादा आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनको सीखना है उनके लिए तो एक अच्छा चॉइस है ही, बट उसके साथ साथ जिसको लॉन्ग टाइम के लिए एक स्कूटर चाहिए उसके लिए भी एक अच्छा चॉइस है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और खास करके इसका इंजिन बहुत ही अच्छा है। एक्टिवा का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 96,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में, और इसके अंदर 109.51 सीसी का फैन कूल इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.68 bhp का एंड 8.84 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करता है। ये इंजन सुपर रिफाइंड है और माइलेज डिलीवर करता है 48 से लेके 50 kmpl के बीच में। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि एक्टिवा तो पॉपुलर है पहले से इंडियन मार्केट के अंदर, और आपकी सेफ्टी के लिए CBS ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर मिल जाएगी और इसका वेट है 106 kg का। अगर आपको अच्छे फीचर्स चाहिए तो आप होंडा डियो के लिए भी जा सकते हो जिसके अंदर सेम इंजन है। तो चलिए अभी बात करते हैं 125 cc के स्कूटर्स का, तो उसमें से सबसे पहला स्कूटर है सुजुकी बर्गमैन। ये एक बैक्सी स्कूटर है और सीखने के लिए भी अच्छा है, और खास करके अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है तो भी ये स्कूटर कंफर्टेबल है। कंफर्ट एंड फीचर्स तो अच्छे है ही, बट उसके साथ साथ स्टोरेज स्पेस भी बहुत ही अच्छा है। सुजुकी बर्गमैन में आपको 124 cc का एयर कूल इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.58 bhp का एंड 10 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करता है। ये इंजन माइलेज भी अच्छा डिलीवर करता है, लाइक 48 से लेके 50 kmpl के बीच में। इंजन स्मूथ है और इंजन की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है। बर्गमैन का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 1,15,000 से लेकर 1,38,000 के बीच में। आपकी सेफ्टी के लिए आपको इसके अंदर CBS ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्कूटर के बारे में बात करते हैं, तो वो है सुजुकी एवनिस 125। ये स्कूटर में आपको सेम इंजन मिल जाएगा जो कि बर्गमैन में आता है, बट इसका वेट कम है और ऑलमोस्ट सेम फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि थोड़े से लो प्राइस के अंदर। एवनिस के अंदर 124 cc का एयर कूल इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.58 bhp का एंड 10 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करता है। ये इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है, लाइक इसका रियल वर्ल्ड माइलेज आपको 52 से लेके 54 kmpl के बीच में मिल जाएगा। इंजन स्मूथ है और रिलायबल भी है और सीटिंग पोजीशन भी अच्छी है। एवनिस का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 1,08,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में। इसका वेट है 106 kg का और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्कूटर अच्छा चॉइस है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्कूटर के बारे में बात करते हैं, तो वो है यामाहा रेजेडार। ये स्कूटर बहुत ही लाइट वेट स्कूटर है एक 125 cc की कैटेगरी के अंदर, जिससे बिगिनर के लिए बहुत ही इजी हो जाता है इसके वेट को कंट्रोल करना, लाइक इसका वेट है ओनली 99 kg का और इसका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 1,05,000 से लेकर 1,16,000 के बीच में। वेरी अफोर्डेबल राइट। इसके अंदर 125 cc का एयर कूल इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.04 bhp का एंड 10.3 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करता है। जैसे आपने देखा कि इसका पावर कम है, उसी के वजह से इसके अंदर दो एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाती है। पहला तो माइलेज काफी अच्छा मिल जाता है और दूसरा इसके पावर को आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हो। इसका रियल वर्ल्ड माइलेज आपको 50 से लेके 55 kmpl के बीच में मिल जाएगा और इसके अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला इंजन भी मिल जाता है। रेजेडार में आपको ड्रम एंड डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी सेफ्टी के लिए UBS ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्कूटर के बारे में बात करते हैं, तो वो है सुजुकी एक्सेस 125। ये स्कूटर कम बजट में आ जाता है और इंजन का पावर को कंट्रोल करना भी इजी है और पेट्रोल भी कम पीता है। एक्सेस का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 99,000 से लेके 1,11,000 के बीच में। एक्सेस में आपको 124 cc का एयर कूल इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.6 bhp का एंड 10 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करता है। उतना ही नहीं, ये स्कूटर माइलेज भी अच्छा डिलीवर करता है, लाइक 50 से लेके 52 kmpl के बीच में। इसके इंजन की पावर डिलीवरी भी स्मूथ है, जिससे इसके पावर को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। राइड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है और इजी टू राइड इन सिटी ट्रैफिक। एक्सेस का वेट है 103 kg का और लेने के बाद इसको मेंटेन करना भी सस्ता है। तो चलिए फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट स्कूटर का, तो उसका नाम है होंडा एक्टिवा। ये स्कूटर पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हो और मैंने इस पर स्कूटर चलाना सीखा था, जिसके वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि आप भी इजीली सीख सकते हो। इसके बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसका इंजन भी बहुत ही अच्छा है, बट लेटेस्ट फीचर्स आपको इसके अंदर थोड़े से कम मिलेंगे। इसके अंदर 124 cc का फैन कूल इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.19 bhp का एंड 10.4 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करता है।
ये इंजन सुपर रिफाइंड है और माइलेज आपको 46 से लेके 48 kmpl के बीच में डिलीवर करेगा। एक्टिवा 125 का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 97,000 से लेके 107,000 के बीच में। सीट बड़ी और स्पेशियस है और इसमें आपको ड्रम एंड डिस्क ब्रेक दोनों का भी ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में आपकी सेफ्टी के लिए होंडा की CBS ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी स्कूटर से रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू स्कूटर।